स्वागत है आपका केवी न्यूज इंडिया में। मैं आपके साथ हूं संदीप चौहान और आप देख रहे हैं इस समय की बड़ी खबर। डभरा तहसील क्षेत्र में पटवारियों के अड़ियल रवैये से किसान त्रस्त, तहसीलदार भी कार्यवाही करने से डरने लगे। आपको बता दें पूरा मामला। जांजगीर चांपा जिले के तहसील डभरा में ग्राम पंचायत सुखता के किसानों ने तहसील कार्यालय में आकर किया शिकायत। पंजीयन के आखिरी दिन भी किसानों का पर्ची पंजीयन नहीं होने से परेश न किसान पहुंचे तहसील कार्यालय। पटवारी के अड़ियल रवैया से परेशान होकर तहसीलदार डभरा से शिकायत करने पहुंचे, परंतु तहसीलदार डभरा अपने कार्यालय से नदारद मिले। वहीं किसानों शिकायत से नहीं डरा रहा, पटवारी जब तहसील कार्यालय पहुंचा तो किसान और पटवारी के बीच में बहसा बहसी हो गई, जिसमें किसानों ने आक्रोशित होकर पटवारी को खरी खोटी सुना दी। वहीं जब पटवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो किसान यहां शिकायत करने आए हैं उनके दस्तावेज में कुछ न कुछ कमी होने के कारण मैं इनकी पंजीयन नहीं कर पा रहा हूं। परंतु किसानों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तहसील कार्यालय डभरा में अभी पटवारियों का आतंक छाया हुआ है। कुछ दिन पूर्व एक तहसीलदार ने पटवारियों की शिकायत पर कार्यवाही करने का प्रयास किया था, जिसमें तहसीलदार ने उन पटवारियों का कारण बताओ नोटिस भी शायद जारी किया गया था, पर पटवारियों ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तहसीलदार हटाव का नारा लगाने लगे। अंत में जिला कलेक्टर ने तहसीलदार का ही हटा दिया, जिससे इन पटवारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अधिकांश हलकों के किसानों को अपना पर्ची पंजीयन कराने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रहा है, या तो पटवारी कार्यालय में नहीं मिलते हैं या फिर फोन करने पर फोन नहीं लगता, और कहीं फोन लग भी जाए तो पटवारी फोन भी नहीं उठाते। किसान बहुत परेशान रहते हैं, या यूं कहिए कि तहसील डभरा में पटवारियों का आतंक छाया हुआ है। किसानों का कहना है कि अनुभवी तहसीलदार नहीं होने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, तहसीलदार भी अब पटवारियों के खिलाफ कार्यवाही करने से डर रहे हैं। केवी न्यूज इंडिया से पुलकित दास महंत की रिपोर्ट। पटवारी लोग आजकल कहते कहते कम से कम 100 बार मैंने इन लोगों को निवेदन किया, 8 दिन तारीख तक उसका सीमांकन नहीं हुआ। उसके बाद में सुनिए सर, मैं बिक्री छाट का भी उस जमीन का कागजात मांगा पटवारी से, 8 दिन तक बिक्री छाट नहीं हुआ। अब क्या है, पैसा पैसा थोड़ी कहते हैं सर। तो आप पैसा दियो क्या? पैसा नहीं दिया हूँ, मगर पैसा देता तो 8 दिन तारीख तक हो जाता। पैसा नहीं दिया इसी कारण से नहीं हुआ। मांग रहे क्या पटवारी? पटवारी पैसा नहीं मांग रहा है, मगर मेरे को तो घुमा रहा है सर। 2 माह हो गया, 2 साल हो गया। समस्या है कि उनका धान पंजीयन नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड दुरुस्ती नहीं है। रिकॉर्ड दुरुस्ती करना पटवारी का काम है। एक पटवारी मैं हूँ, नया नियुक्त हूँ। कुछ ही महीने पूर्व मेरे को वहाँ सुविधा में प्रभार मिला है। उस सुविधा का प्रभार 2 महीने पहले मेरा हल्का परिवर्तन हो चुका है एसडीएम साहब के निर्देश से, परंतु आज तक पर्यंत कई बार मौखिक रूप से लिखित में नहीं दिया हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को बोला कि मेरा सर हल्का परिवर्तन हो गया है। दो हल्का क्षेत्र, दोनों ही हल्का के बीच में 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी एक नवनियुक्त पटवारी के द्वारा संभाल पाना असंभव कार्य है। इस बात को मैंने कई बार अधिकारियों के समक्ष रखा, पर उन्होंने नहीं माना। और अभी तक मेरा यथावत दोनों प्रभार था। दोनों प्रभार, एक सुविधा है, एक 12 पेपर है, दोनों के मध्य 50 किलोमीटर से ज़्यादा का दूरी है। आप बताइए मैं चार्ज कैसे संभालूँ? यथासंभव मैं अपना हर कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ, धान पंजीयन, ऑनलाइन गिरदावरी, रिकॉर्ड दुरुस्ती, रकबा संशोधन, हर कार्य। किसान का काम, एक बार फोन करता है, 2 बार फोन करता है, वो बोलता है कि पटवारी काम नहीं कर रहा है, कैसे काम करूं? एक दिन में 100 से ज़्यादा फोन आते हैं, 200 फोन आते हैं मेरे पास। चाहो तो मेरा नंबर चेक कर लो। अब खाली मैं दिन भर फोन अटेंड करूं कि काम करूं? दूसरी बात, जितने किसानों का अभी पंजीयन आया था उसमें अधिकांश किसानों का पूरा पूर्व में पंजीयन हो चुका है, कुछ फाल्स है जिसको सुधारना पड़ेगा। लेकिन कितना सारा को फाल्स को सुधारेंगे? अभी यथावत इनको एक दिन के भीतर पंजीयन चाहिए। आज यदि मैं पंजीयन सूची नहीं दूंगा तो पूरा गांव का पंजीयन रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में 2 और 4 किसान आकर मुझे कर रहे हैं कि मुझे संशोधन करिए। आप बताइए पूरा गांव का पंजीयन रुकूं या फिर कुछ किसानों का ही पंजीयन रुकूं? आप लोग तय करिए और मुझे फिर बताइए। दूसरी बात, इतने दिन से काम कर रहा हूँ, 2 महीना हो गया, मेरा पूरा पेमेंट रोक दिया गया है, 1 रुपया पेमेंट नहीं मिल रहा है। कारण दिया जा रहा है कि तुम नवनियुक्त हो, तुम्हारा यहाँ पदस्थापना नहीं हुआ है। तो जब पदस्थापना नहीं हुआ है तो मेरा अभी मीटिंग में एसडीएम मीटिंग हुआ, उसमें मेरे द्वारा कहा गया कि जब पदस्थापना नहीं हुआ है तो सर मुझे निकाल दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। परंतु ना तो मुझे निकाला जा रहा है, ना तो पेमेंट दिया जा रहा है, ना तो नया हल्के में मुझे स्थायी रूप से प्रभार दिया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, बस लटका के इधर और उधर किया जा रहा है। अब आप ही लोग बताइए इस समस्या का निराकरण मैं कैसे करूं? कितने माह सैलरी नहीं मिली आपको? 2 महीने से सैलरी नहीं मिला है सर। तो किसानों का आरोप है कि आप बिना पैसे के काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई भी किसान साबित करे, है ना? कोई भी किसान, कल एक व्यक्ति आया जिसने बोला कि मुझे बिक्री छाट चाहिए 2 दिन के भीतर, ठीक है, यही कोई मारवाड़ी सेठ थे। अब उस बिक्री छाट को उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन के भीतर चाहिए। उन्होंने मुझे पूर्व सूचित किया था कि ये बिक्री छाट आप दिवाली के बिहान दिन दे देना। दिवाली का मॉर्निंग छुट्टी था, उसके अगले दिन वो आए और मेरे पास बोले कि आप दोगे कि नहीं।
मैं बोला सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो दिन का समय चाहिए। उन्होंने बोला जितना पैसा चाहिए दूंगा। मैं बोला कोई पैसा नहीं चाहिए। इस बात के लिए 10 किसान वहाँ सामने थे, थोड़ी हमारे बीच में बहस हुई, पर उन्होंने बोला कि नहीं आपको करना पड़ेगा। फिर आकर उन्होंने शिकायत किया कि इन्होंने मेरे से पैसा डिमांड किया है। अब जब पैसा डिमांड किया हूँ तो वो आदमियों को लेकर आ जाए जिनके समक्ष मैंने पैसा डिमांड किया है, या तो मैं उन आदमियों को ले आता हूँ जिनके सामने मैंने बोला है कि कोई पैसा नहीं मांगा। पटवारी साहब, अभी यहाँ पर आपको घेराव किए थे, उन्हीं में से कुछ किसान हाँ। ये बोलते दिख रहे थे कि आपको सैलरी नहीं मिला है शासन से, इसलिए आप किसानों से काम के बदले पैसा ले रहे हैं। बताओ ना तो कौन किसान देगा पैसा? कोई है किसान पैसा देने के लिए? वैसे थोड़ी होता है सर, सुनिए एक काम के लिए तुमको 10 बार 15 बार